डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पढ़ी थी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में, ठीक है। तो इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारी सबसे बड़ी जो थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। तो हम डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के बारे में इनिशियली पढ़ते हैं कि वाई द इंडक्शन मोटर नेवर स्टार्ट्स, या ड्यूरिंग व्हेन द मशीन इज एट ओनली वन वाइंडिंग, यानी कि मेन वाइंडिंग पे जब तक आप मशीन को एक्साइट कर रहे हो केवल और केवल, तब आपकी मशीन क्यों स्टार्ट नहीं होती है। इसका लॉजिक दिया था डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास दो वाइंडिंग्स हैं, ठीक है, एक मेन वाइंडिंग एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। बट अगर आप केवल और केवल मेन वाइंडिंग को एक्साइट करोगे, उस केस में हमारे पास जो सिंगल वाइंडिंग में हमने सप्लाई दिया है, उसकी वजह से हमारे पास दो नेचर का फ्लक्स डेवलप होता है और दोनों ही फ्लक्सेस अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। ये चीज़ हमने कल नोटिस करी थी, ठीक है। यानी कि एक डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आप रोटर को रोटेट कराना चाह रहे हो, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक हो गई उसके अपोजिट, दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमारी जो दो फ्लक्सेस डेवलप हुई हैं, वो भी उसी तरीके से नॉमनक्लेचर किया गया है उनका। फॉरवर्ड फ्लक्स आगे वाली जो टॉर्क है, मतलब फॉरवर्ड टॉर्क डेवलप करेगा, एंड बैकवर्ड फ्लक्स बैकवर्ड टॉर्क डेवलप करेगा। अब जब दो टाइप का टॉर्क डेवलप हुआ है सिस्टम में, तो वो आपस में नेट टॉर्क विल बी इवेल्युएटेड। कैसे होगा? वन टॉर्क माइनस द अदर टॉर्क। तो जो वहां पे हमारे पास टॉर्क इक्वेशन थी, वही सेम इक्वेशन इज एम्प्लाइड ओवर हेयर। तो अकॉर्डिंग टू माई टॉर्क इक्वेशन, तो देखो अब नेट टॉर्क इनिशियली हमने इवेलुएट किया था टी नॉट। अगर हम टॉर्क नेट की वैल्यू इवेलुएट करें, दैट इज टी फॉरवर्ड प्लस टी बैकवर्ड, ठीक है। अगर हम फॉरवर्ड टॉर्क की बात करें, तो फॉरवर्ड टॉर्क हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन ओमेगा एस मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि सेम वही फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बस वहाँ तीन फेजेस थे तो थ्री फेज मशीन वॉज गया। यहाँ पे सिंगल फेज मशीन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन फेज है तो थ्री अपॉन ओमेगा एस की जगह वन अपॉन ओमेगा एस आ जाएगा, बाकी टर्म्स हमारी एज इट इज रहेंगी। एस अपॉन ई टू जीरो स्क्वायर आर टू जीरो अपॉन देन आर टू जीरो स्क्वायर प्लस एक्स टू जीरो स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्योंकि या तो आप इस तरीके से लें कि एक टॉर्क फॉरवर्ड है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा रही है, टॉर्क बैकवर्ड जो है वो दैट इज अप्लाइंग इट्स फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो या तो आप यहाँ पे प्लस डिनोट करें, या इसको ही आप नेगेटिव टॉर्क मान सकते हो। तो नेगेटिव टॉर्क यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो एक टॉर्क हमारी ये हो गई, दूसरी टॉर्क हमारे पास क्या मिलेगी, वन अपॉन ओमेगा एस मल्टीप्लाइड बाय एस बी, क्योंकि वो बैकवर्ड टॉर्क है, ई टू जीरो स्क्वायर आर टू जीरो अपॉन आर टू जीरो स्क्वायर प्लस एस एफ एस बी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कंडीशन मानी कि एक्स आर टू जीरो और एक्स टू जीरो द आर द इम्पीडेंसेस ऑफ, या कह लो रेजिस्टेंसेस एंड रिएक्टेंसेस ऑफ माय फॉरवर्ड रोटर एंड बैकवर्ड रोटर। सिंस हमने एक रोटर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसलिए हम यह मान रहे हैं कि वहां पे हमने आर टू बाय मतलब आर टू जीरो बाय टू लिया था, लेकिन हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि वो इंस्टेड ऑफ आर टू जीरो बाय टू, हमने उसको दो इंडिविजुअल पार्ट्स में तोड़ लिया, एक आर टू जीरो है और दूसरा भी आर टू जीरो है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने सप्लाई प्रोवाइड करी, तो सप्लाई प्रोवाइड करते ही सिंस द रोटर इज एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, दैट इज एस एफ इज इक्वल टू वन, तो हम एस बी अगर इवेल्युएट करें तो क्या हो जाएगा, टू माइनस एस एफ विच इज इक्वल टू वन। मैं क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ये वैल्यू पुटअप करें, एस एफ इज इक्वल टू वन एंड एस पी इज इक्वल टू वन, यानी कि दिस इज इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू वन एंड दिस इज इक्वल टू वन, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस पार्ट,
मैं क्लियर? तो इसलिए हमारी नेट टॉर्क ड्यूरिंग स्टार्टिंग क्या हो गई? जीरो हो गई। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि नेट टॉर्क ड्यूरिंग स्टार्टिंग स्टार्टिंग के केस में नेट टॉर्क हमारी जीरो हो जाती है। रीजन बीइंग क्योंकि बोथ द स्लिप्स आर एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है, दोनों ही स्लिप्स एग्जैक्टली इक्वल हैं। लेकिन अब हमने क्या किया, अगर मशीन को हम थोड़ा सा स्टार्ट कर दें, एक डायरेक्शन में हमने स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आई हैव प्रोवाइडेड अ स्लिप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.5 मान लेते हैं, 50% स्लिप भी मान लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी एस बी क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स 1.5, दैट इज 2 माइनस SF। अगर मैं करूंगा तो -0.5 दैट इज इक्वल टू 1.5। तो सिंस बोथ द स्लिप्स आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, जिसकी वजह से एक स्लिप यहां पे अगर मैं इवेल्युएट करूंगा, द इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट विल बी लेस देन इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट, यानी कि उस केस में हमारे पास फॉरवर्ड टॉर्क हाई होगी एंड बैकवर्ड टॉर्क हमारी लो हो जाएगी। रीजन रीजन सिंपल सा है, क्योंकि स्लिप इज डिफरेंट वाइल रनिंग कंडीशन, ठीक है। तो इसलिए डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का यूज करना वॉज प्रॉम्प्ट एनफ टू एक्सप्लेन द थ्योरी बिहाइंड द स्टार्टिंग ऑफ एनी इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना था, हमें नेट टॉर्क को जीरो से हटाना था। तो नेट टॉर्क हमने जीरो से हटा दिया, कैसे हटाया, बाय यूजिंग सम एडिशनल वाइंडिंग नोन एज ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो हम वहां पे हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग का यूज किया, वो चीज हम देखेंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग के केस में क्या होता है, ठीक है। तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, होप सो शायद आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा उस पार्ट का। तो नेट टॉर्क जो ये इक्वेशन बनाई है वो एग्जैक्टली क्या रिजेंबल करती है, वो रिजेंबल करती है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मशीन। तो अगर मैं यहां लेता हूं टॉर्क और यहां लिया है मैंने स्पीड, ठीक है, तो पॉजिटिव ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारे पास नेट टॉर्क मिलता है, इक्वल नहीं नजर आ रहा है लेकिन फिर भी दे आर इक्वल। दिस इज माय फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एंड दिस इज माय बैकवर्ड, ठीक है। तो दिस इज माय फॉरवर्ड टॉर्क, मैं सिंपली TF लिख रहा हूं, दिस इज माई बैकवर्ड टॉर्क, दिस इज TB, ठीक है। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का अगर मैं एडिशन करूंगा तो समवेयर कहीं यहां पे मिलती है मुझे, ठीक है। तो दिस इज माई नेट टॉर्क, टी नेट अगर हमने लिखा है तो, ठीक है। तो नेट टॉर्क ड्यूरिंग स्टार्टिंग स्टार्टिंग के केस में एस एफ इज इक्वल टू 1, यानी कि एस बी इज इक्वल टू 1, वो ये केस है, ठीक है। तो नेट टॉर्क हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू 0, इसलिए मेरी मशीन टॉर्क डेवलप नहीं करती है, जिसकी वजह से मेरी मशीन स्टार्ट नहीं होती है, विच इज ऑल्सो मतलब इवेल्युएटेड बाय दिस थिंग ऑल्सो। यहाँ पे अगर आप पुटअप करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने के बाद जब आप इवेल्युएट करोगे तो वो वही आएगी, नेट टॉर्क 0, नेट टॉर्क 0, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर हमेशा कौन सी वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। एक फॉरवर्ड टॉर्क की लाइन है, एक बैकवर्ड टॉर्क की लाइन है, एक है इक्विवेलेंट टॉर्क की लाइन या नेट टॉर्क की लाइन, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ, ये चीज क्लियर हुई? चलिए,
नेक्स्ट वी प्रोसीड, व्हाट हैपेंस जब हमारे पास, हमने इंस्टेड ऑफ हैविंग सिंगल वाइंडिंग यानी केवल मेन वाइंडिंग पे ऑपरेशन हमने किया अभी तक, अब अगर हम दूसरी वाइंडिंग यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी प्लेस कर दें तो उससे क्या होगा? ठीक है, तो जब हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी प्लेस कर देते हैं, ठीक है, वी नॉर्मली डिसाइड आर ऑक्सिलरी वाइंडिंग सच दैट कि हम उस वाइंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हाईली रेजिस्टिव वाइंडिंग बनाते हैं, लो रिएक्टिव हाई रेजिस्टिव वाइंडिंग। व्हाई? बिकॉज क्योंकि किसी भी मशीन को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट अगर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आप रखोगे तो यू शुड हैव अ 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट इन द टू वाइंडिंग्स एज वेल। यानी कि अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, यहाँ पे सिंगल फेज वाइंडिंग के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, तो सपोज मैंने दो वाइंडिंग प्लेस करी हैं, ठीक है, मैंने दो वाइंडिंग प्लेस करी, मेरे इसके अंदर स्लॉट्स होंगे, ठीक है, मैं एग्जैक्टली चलिए बना ही देते हैं। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, चलिए 12 ले लेते हैं, नॉट, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर ये स्लॉट नंबर 1 है तो यहाँ होगा स्लॉट नंबर 6, ठीक है, 6 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 7, तो 1 and 7। तो अब यहाँ पे हम चीज लुक आफ्टर करते हैं, अगर हमें यहाँ पे मेन वाइंडिंग प्लेस करनी है तो मेन वाइंडिंग अगर हम यहाँ से स्लॉट प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, इनिशियल एंड अगर हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं, तो वहीं पे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से आउट करेंगे, यानी कि वी विल बी स्टार्टिंग आवर ऑक्सिलरी वाइंडिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब जब हमने ये 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट रखा है तो इट इज मैंडेट फॉर अस कि अगर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो जो दोनों का फ्लक्सेस है दैट शुड हैव अ 90 डिग्री फेज डिफरेंस, ठीक है। वो कब होगा? वो तब होगा, फ्लक्स कहां से डेवलप, किसकी वजह से डेवलप होता है? करंट की वजह से। एंड करंट किसकी वजह से डेवलप होता है? द इंपीडेंस ऑफ द दिस वाइंडिंग की वजह से। तो इसलिए जो ये मेन वाइंडिंग है, लेट अस कंसीडर मेन वाइंडिंग एंड यहां पे हमारी है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, यहां से स्टार्ट हुई है, ठीक है, स्टार्ट हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहीं पे है, यहां से यार स्टार्ट होके यहां खत्म हो गई होगी, इट कैन अंडरगो यहां से स्टार्ट होके यहां तक पूरी इंटायर इंटरफेस पे स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, यहां से शुरू होके पूरे इंटरफेस पे हो सकती है। इसी तरीके से मेन वाइंडिंग भी हर स्लॉट में प्लेस हो सकती है, तो हर स्लॉट में दोनों वाइंडिंग्स भी पॉसिबल है, यानी कि मेन वाइंडिंग एज वेल एज ऑक्सिलरी वाइंडिंग हर स्लॉट में हो सकती है। बट यस, अगर मैंने मेन वाइंडिंग यहां से स्टार्ट करी है तो मैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग को 90 डिग्री आउट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, दिस इज मैंडेट। अब जो मैंने मेन वाइंडिंग ली है उसको मैं लेता हूं हाईली रिएक्टिव, एक्स हाई, रेजिस्टिव हमारी कम होनी चाहिए ये वाइंडिंग, ठीक है, लो रेजिस्टिव वाइंडिंग, जबकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ हाईली रेजिस्टिव लो रिएक्टिव। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि मैं किसी तरीके से इन, अगर मैं हाईली रिएक्टिव वाइंडिंग यूज करूंगा तो इसके साथ जो करंट एसोसिएटेड होगा IM, दैट विल बी हाईली लैगिंग, ठीक है। अगर मैं हाईली ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ अगर मैं जाऊं तो इसका जो करंट होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट यूनिटी, ठीक है। यूनिटी और लैगिंग के बीच में, सपोज इट इज हैविंग एन एंगल ऑफ 80 डिग्रीज एंड सपोज इट इज हैविंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्रीज, तो दिस एंगल इज समवट प्रिजर्व्ड,
यानी कि लगभग 90 नहीं है लेकिन लगभग लगभग 90 के आसपास है। तो दिस एंगल इज ऑलमोस्ट प्रिजर्व्ड, इसलिए इस टाइप की वाइंडिंग को कहा जाता है स्प्लिट फेज वाइंडिंग। ठीक है, किसी तरीके से मैंने क्या किया, ऑलमोस्ट 90 डिग्री का फेज डिफरेंस लिया एंड इस वाइंडिंग को भी हमने लगभग लगभग अगर 80 डिग्री है तो 80 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 90 वहां पे हम 80 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट लेके आएंगे वाइंडिंग्स में। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हाईली रेजिस्टिव वाइंडिंग या एक्स बाय आर रेशियो अगर हम इवेल्युएट करें, क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक्स बाय आर रेशियो इवेल्युएट करना किसी भी वाइंडिंग का, तो इसका एक्स बाय आर रेशियो इज लो कंपेयर टू मेन वाइंडिंग एक्स बाय आर रेशियो। ठीक है, क्लियर, ये चीज क्लियर हुआ। हेलो हेलो, हाँ सर, हो गया। ये चीज क्लियर हुआ। तो हम क्या हो गया सर। करते हैं यस कि सर। किसी भी तरीके से हमें ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस लाना है। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस लाने के लिए रीजन क्या है, अगर आप एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सम देखोगे फॉर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे भी आपने जो तीन कंपोनेंट प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, दिस वाज फाई ए, दिस वाज फाई बी, दिस वाज फाई सी, इन तीनों कंपोनेंट को आपने दो पार्ट में रिजॉल्व किया, उसके बाद फाई वी एंड फाई एच। ठीक है, यानी कि वहां पे भी आपने इक्विवेलेंट दो ही एंगल्स में इवैल्यूएशन किया, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स में इवैल्यूएट करना आसान नहीं है, केवल आप वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इवैल्यूएशन करते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली फाइव एच और फाइव ई है, इंस्टेड ऑफ फाइव ई यू आर हैविंग फाइव ए, ठीक है, एंड इन सॉरी फाइव एम एंड इंस्टेड ऑफ फाइव एच यू आर हैविंग फाइव ए। सिंपल, आपके पास दो कंपोनेंट है, आपने वहां पे तीन फ्लक्सेस से आपने फाइव ई फाइव एच निकाला था, यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपल दो वाइंडिंग लगा के आपने दो कंपोनेंट प्रोड्यूस कर लिए। ठीक है, बाकी 5E और 5H ही रिस्पॉन्सिबल हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। तो अब यहाँ पे दो फ्लक्सेस भी डेवलप हो गए 5H और 5E के इक्विवेलेंट, इसका मतलब क्या है, ये दो कंपोनेंट भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई, इसका मतलब मेरा रोटर अपने आप ही रोटेट करेगा। तो हेंस नाउ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रोटेट्स व्हेन प्लेस्ड इनसाइड अ स्टेटर। ठीक है, तो ये लॉजिक है बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करना है तो यू नीड टू हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री बिटवीन मेन वाइंडिंग फ्लक्स एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग फ्लक्स। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को करने के लिए, ठीक है, इस ऑपरेशन को करने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए। एक मेथड लगाया कि हमने एक परमानेंट कैपेसिटर ऑक्सिलरी वाइंडिंग की सीरीज में डाल दिया, तो वो मशीन होती है हमारी परमानेंट कैपेसिटर या कैपेसिटर स्टार्ट रन इंडक्शन मोटर, यानी कि उसी कैपेसिटर से मशीन को स्टार्ट किया एंड ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन वो कैपेसिटर उसी में लगाया रहने दिया। ठीक है, तो दैट मोटर इज नोन एज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन सॉरी कैपेसिटर स्टार्ट रन इंडक्शन मोटर। ठीक है, जो कि नॉर्मली आपके सबसे ज्यादा फैंस में एम्प्लॉय की जाती है। आपने एक कैपेसिटर लगा रखा है, परमानेंटली इम्प्लॉयड है, मोटर जैसे ही आप फैन ऑन कर वो लाइट प्लग ऑन करते हो मोटर अपने आप स्टार्ट हो जाती है। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये है सारा का सारा कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रोटर एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। सर कैमरा देखना, कैमरा कैसे हो रहा है, तिरछा आ रहा है। एक मिनट, हाँ एक मिनट दो, हो गया, बैटरी लो हो गई थी। चलिए, तो नाउ इट्स क्लियर।
कि किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें वो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट करना है। तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हमने यूज करी। पहला सबसे पहली जो टेक्निक है दैट इज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। अब स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में हमने क्या किया, हमने सिंपली सिंपली एक मेन वाइंडिंग ली, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग ली। मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम रखा, रिएक्टेंस ज्यादा रखा बाय यूजिंग अ थिक मटेरियल, थिक वायर। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, इसका जो कंडक्टर वायर है वो थोड़ा सा बड़ा रखा, चौड़ा रखा। तो अल्टीमेटली आई हैव ऑब्टेंड लो रेजिस्टेंस हाई रिएक्टेंस पार्ट इनसाइड द कोर। हमने ये वाइंडिंग सबसे ज्यादा इनसाइड द कोर में प्लेस करी। जो टॉप मोस्ट ऑफ द कोर हमने वाइंडिंग प्लेस करी दैट इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास स्लॉट है तो सबसे पहले हमने मेन वाइंडिंग प्लेस करी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा डीप होगा उतना ज्यादा एक्स रिएक्टेंस होगा, तो इसलिए रिएक्टेंस अगर हाई रखना है तो मैं वाइंडिंग को डीप रखूंगा। जितना ज्यादा मैं स्लॉट के ऊपर होऊंगा उतना ज्यादा मेरा रिएक्टेंस कम होगा। इसका मतलब मैंने यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्लेस करी। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज केप्ट ऑन द अपवर्ड फेस, मेन वाइंडिंग इज केप्ट ऑन द डाउनवर्ड फेस या बॉटम पोर्शन। ठीक है, अब इस वाइंडिंग को हाई रेजिस्टेंस देना है तो इसका मतलब द वायर गेज ऑफ दिस वाइंडिंग इज वेरी नैरो, कम रखी जाती है। तो जब वायर गेज नैरो रखा जाता है तो हाई रेजिस्टेंस हमें ऑफर होता है। अब स्प्लिट फेज में हमने कोई भी कैपेसिटर नहीं लगाया है तो अप्रोक्सीमेटली आई हैव एन एंगल ऑफ 70 to 80 डिग्रीज। ठीक है, बिटवीन द मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, एंड उसी अकॉर्डिंग मैं अपनी वाइंडिंग को प्लेस करता हूँ। ठीक है, सपोज आई एम हैविंग 80 डिग्रीज एंगल तो मैं 80 डिग्री पे अपनी ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्लेस कर दूंगा। सपोज आई एम हैविंग 70 डिग्रीज तो मैं 70 डिग्रीज से थोड़ा प्लस माइनस चलता है। ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस चलता है क्योंकि एग्जैक्ट स्लॉट एग्जैक्टली 70 डिग्री पे आपको नहीं मिलेंगे तो प्लस माइनस की वजह से इट वर्क्स। ठीक है, तो लेकिन हम प्रैक्टिकली यही कहेंगे हर बार कि हमने 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिया है बिटवीन मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, इज इट क्लियर, ये चीज क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो इसीलिए आपने जितनी भी कंस्ट्रक्शंस देखी होंगी या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा होगा तो आपने नॉर्मली वाइंडिंग्स भी इस तरीके के इसी फैशन में पढ़ी होंगी। ये आपकी हो गई मेन वाइंडिंग। ठीक है, और दूसरी वाइंडिंग हमने यहाँ क्यों नहीं प्लेस करी, बिकॉज हमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस चाहिए तो हमने दूसरी वाइंडिंग यहाँ प्लेस करते हैं। ठीक है, वाई, बिकॉज ये 90 डिग्री डिफरेंस के लिए बनाई गई। ठीक है, तो दिस इज माई 90 डिग्री फेज डिफरेंस, दिस इज माई रोटर। ठीक है, स्क्विरल केज रोटर बनाना चाहो बना लो। ठीक है, दिस इज माई स्क्विरल केज रोटर, दिस इज माई इनपुट आई, यहां हो गई हमारे पास आई एम, यहां हो गई मेरे पास आई ए। ठीक है, दिस इज हाईली रिएक्टिव वाइंडिंग, दिस इज हाईली रेजिस्टिव वाइंडिंग, जिसकी वजह से इन दोनों में फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, इन स्पेस हमने 90 डिग्री में फेज डिफरेंस इवेल्युएट इस तरीके से कराया कि हमने यहां से अगर मेन वाइंडिंग डालनी शुरू करी है तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम 90 डिग्री आउट ऑफ फेज बनाते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ द कंस्ट्रक्शन वर्क्स। अब कई बार इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, एक स्विच लगा देते हैं एस, विच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करेगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल जैसे जैसे मेरी मशीन देखो हाई स्पीड पे चलती है, अगर प्रैक्टिकली मतलब सिंपल अगर मैं स्टेटमेंट बात करूं मशीन का, तो मेरी मोटर एक बार स्टार्ट होने के बाद आई डोंट रिक्वायर दिस वाइंडिंग, आई डोंट रिक्वायर एनी ऑक्सिलरी वाइंडिंग।
ठीक है, क्यों 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 यूज करें जब हमारे पास ये दिस वाइंडिंग इज एनफ कि इतना टॉर्क ये डेवलप कर पा रही है, तो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग। बट यस, जब यहाँ पे हमारे पास दो वाइंडिंग है तो ये भी कुछ टॉर्क डेवलप कर रही है, तो ये भी कुछ एडअप करती है, बट नॉट मोर। तो रनिंग कंडीशन में अगर मैं इसका स्पीड टॉर्क ग्राफ बनाऊं, तो स्पीड एंड दिस इज टॉर्क, केवल और केवल मेन वाइंडिंग की मैं बात करूं तो दिस इज माय स्पीड टॉर्क। अगर मैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग दोनों की बात करूं तो दिस इज माय ग्राफ। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं फाइनल पोजीशन तक, फाइनल स्पीड तक पहुंचता हूं, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि चाहे कोई भी वाइंडिंग हो, जो स्पीड डेवलप करेगी वो कितनी डेवलप करेगी, दैट इज ओनली एन एस विच इज इक्वल टू 120 f/p। तो दोनों केसेस में हमने नंबर ऑफ या ये कह लो फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज की वजह से एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब कांस्टेंट स्पीड ही मिलेगी, एंड द टॉर्क वो भी ज्यादा नहीं मिलेगा दोनों की वजह से। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ मिलता है हमें। तो अब मैं इस टाइम पे, आफ्टर दिस पीरियड, ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या कर रही है, केवल सर्किट में एडेड है। ठीक है, ओनली एंड ओनली इट इज एडेड इन द सर्किट एंड इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी टॉर्क। जिसके लिए हमने इसको बनाया था वो उसका काम पूरा हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिलने के लिए हमने बनाया था, हमें मिल गई। अब हम क्या करें, यहां पे है रेजिस्टेंस हाई, तो ये I2R लॉसेस भी ज्यादा करेगी। ठीक है, यानी कि मशीन को हीट भी करेगी और लॉसेस भी प्रोड्यूस कर रही है। तो एज अ रिजल्ट हमारी एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर रिड्यूसेस। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देते हैं जो क्लोज टू 70% या 80% स्पीड पे ऑपरेट होता है, एंड दिस ओपन्स, यानी कि 70% स्पीड के बाद ये स्विच मेरा अपने आप ही ओपन हो जाएगा। एज अ रिजल्ट दिस वाइंडिंग इज नाउ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, दस रिजल्टिंग इन इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग I2R लॉसेस। सिंपल, ठीक है। दूसरी चीज, वो टॉर्क क्रिएट नहीं कर रही थी, केवल मेन वाइंडिंग हमारी टॉर्क एनफ प्रोड्यूस कर लेगी। तो ये ऑपरेशन कैसा लुक लाइक होता है, इनिशियली हम स्टार्ट हुए मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लेके। ठीक है, एक पॉइंट पे पहुंचे, समवेयर अबाउट 70% ऑफ द स्पीड, हम उसके बाद स्विच किया मेन वाइंडिंग पे, देन हम इस वाली टॉर्क लाइन पे चले गए। ठीक है, तो हमारे स्पीड टॉर्क ग्राफ फॉर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर हैविंग अ दिस सेंट्रीफ्यूगल स्विच लुक्स लाइक दिस। यहां से हमने स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे पहुंचे, देन सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट हुआ, ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमारी डिसकंटिन्यूड हुई, एंड ओनली एंड ओनली मेन वाइंडिंग इज नाउ एक्साइटेड, जिसकी वजह से मेरे पास ये स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक मिली। चलिए, इतना समझ में आया? यस सर। आयुष बेटा, समझ में आया? हेलो, यस सर। समझ आया? नीरज,
Neeraj, did you get what I explained? Neeraj. संभावी बेटा बहुत जल्दी आ गए उठ के। सर मैं अभी ज्वाइन ही थी इससे पहले। ठीक है सर अभी कॉल आया था तो जस्ट अभी कट किया था। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस? मैंने जो एक्सप्लेन किया है आप सभी लोगों को, ठीक है? आप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग और यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी नाउ। आई एम गिविंग यू जस्ट 2 मिनट्स। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग मैंने आप लोगों को समझाई है, ठीक है? कैसे होती है वो मैंने बता दिया आप लोगों को। एक्स बाय आर रेशियो हाई रखा जाता है। एक्स बाय आर रेशियो हाई क्यों रखा जाता है? बिकॉज जो इंडक्शन मोटर्स हैं वो सारी की सारी रिएक्टिव वाइंडिंग जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है? चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। ये जो पार्ट मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ इसमें यू डोंट हैव टू गो इन टू वेरी लार्ज डिटेल्स, ठीक है? ओनली व्हाट यू नीड टू थिंक इज सिंपली टू थिंग्स कि हम किसी भी तरीके से वाइंडिंग को 90 डिग्री आउट ऑफ फेज लेके जा रहे हैं। तो हमने उसके लिए मेथड क्या किया, अभी मैंने आप लोगों को स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बताया। तो नॉर्मली द एक्स बाय आर रेशियो फॉर दिस वाइंडिंग इज वेरी वेरी हाई, एक्स बाय आर रेशियो इज वेरी वेरी लो फॉर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है? इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से आई स्क्वायर आर लॉसेस ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा होंगे तो हमें किसी तरीके से आई स्क्वायर आर लॉसेस को रिड्यूस करना है, जिसकी वजह से हमने एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच एस लगाया, ठीक है? तो अबाउट 70% ऑफ द स्पीड पे ये स्विच ओपन हो जाता है एंड जैसे ही ये ओपन हुआ ये वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो गई एंड इसको हमने सर्किट से हटा दिया, ठीक है? तो केवल और केवल हमारी मेन वाइंडिंग पे हमारी मशीन अब चलती है, ठीक है? तो दिस इज व्हाट इज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है? अगर कई बुक्स में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं भी दिया है नॉट अ प्रॉब्लम, सिंस इसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है तो लॉसेस जरूर होंगे लेकिन आई स्क्वायर करंट भी उसी पैरामीटर से रिड्यूस होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि करंट क्या है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन वोल्टेज, ठीक है? रेजिस्टेंस इसके पास है, रेजिस्टेंस मान लो या इंपीडेंस मान लो इस सर्किट में, तो इंपीडेंस ऑफ दिस इज वेरी लार्ज, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इंपीडेंस इज वेरी वेरी लार्ज। तो लार्ज होने की वजह से मेरी मशीन ऑटोमेटिकली दिस ऑक्सिलरी करंट बहुत कम लेती है कंपेयर टू मेन वाइंडिंग करंट। तो जब मेरी मशीन चलती है तो ऑक्सिलरी करंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ओनली एंड ओनली मेन वाइंडिंग पे सबसे ज्यादा लोड आता है, ठीक है? चलिए, तो दैट्स ऑल अबाउट माय स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप लोगों को ये याद रखना है द स्पीड टॉर्क कर्व। स्पीड टॉर्क कर्व में क्या है, हमारे पास फॉर एग्जांपल मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों लगी हुई है, तो दोनों को जब हम एक्साइट करते हैं तो इस तरीके से स्लोप मिलता है। जब सिंगल मेन वाइंडिंग इज एक्साइटेड तो हमारे पास स्लोप ये मिलता है, ठीक है? अब जब हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाएंगे तो हम पहले यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं, एक पॉइंट तक पहुंचेंगे अबाउट 70% ऑफ दिस NS, ऑटोमेटिकली हम कट डाउन हो जाएंगे केवल और केवल मेन वाइंडिंग के लिए एंड केवल मेन वाइंडिंग का टॉर्क हमारे पास एक्साइटेड मिलेगा, ठीक है? इन केस अगर हमारे पास दोनों वाइंडिंग कंटिन्यूड है फॉर अ लॉन्ग टाइम या फॉर एवरी टाइम तो हम नथिंग कैन बी डन, तो हमारे पास कोई स्विच ना होने की वजह से
स्विचिंग नहीं होती है, बट यस बोथ द कर्व्स हैव टू बी मेड बाय यू। उस केस में भी आपको दोनों कर्व बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। लेकिन अब बात करते हैं बात करते हैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। तो थोड़ा सा आगे ले जाने के बाद अब हुआ क्या, जब हम किसी भी वाइंडिंग को प्ले बना रहे हैं तो वी कैन नॉट कंट्रोल द रिएक्टेंस पार्ट ऑफ द वाइंडिंग, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंस ऐसा चीज है जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ओनली रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग इज कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग थिन वायर थिक वायर, ठीक है। मोर ओवर अगर कोई मशीन हम बनाए वो हीट ज्यादा करे तो हमारे लिए क्या है, इट्स अ प्रॉब्लम टू अस। हम उसको 5 मिनट चलाएं 10 मिनट बंद रखें कोई फायदा नहीं है। तो दिस रेशियो अगर हैवी थोड़ी सी हैवी मशीन होगी तो दिस रेशियो कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इन सच अ मैनर, ठीक है। जब तक मशीन थोड़ी सी लाइट थी, लाइट वेट मशीन थी, तब तक ये दिस रेशियो कैन बी कंट्रोल्ड। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा मशीन पे लोडिंग बढ़ाएंगे 1 एचपी से 2 एचपी 3 एचपी तक जाएंगे तो 3 हॉर्स पावर की मशीन में दिस रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस रेशियो इज कैन नॉट बी अल्टर्ड इन दैट मैनर। यानी ये मुश्किल से मुश्किल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30-40 डिग्री का फेज डिफरेंस रह जाता है इन दोनों के बीच में। तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है, एडिशनल सोर्सेस यूज करने पड़ते हैं ताकि इस एक्स बाय आर रेशियो को लार्ज किया जा सके, विच इज डन बाय कैपेसिटर, विच इज नॉर्मली डन बाय कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर्स आप देखते हो या ये फैंस में आप देखते हो कंडेंसर्स, वो क्या है, बेसिकली कैपेसिटर है एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ लग के इसको एड करके सच दैट की 90 डिग्री का फेज डिफरेंस ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे कैपेसिटर का रोल केवल और केवल इतना है कि एक्स दिस रेशियो को रिड्यूस किया जाए, एक्स की वैल्यू को रिड्यूस किया जाए, वेरी क्लोज टू जीरो रखी जाए, ठीक है, या लीडिंग रखा जाए। तो एज अ रिजल्ट जब मैं इसका फेजर डायग्राम बनाता हूं, सपोज मेरे पास दिस इज माय सप्लाई वोल्टेज वी, आई एम मेरे पास कुछ इस टाइप से मिलता है एंड आई ए मेरे पास थोड़ा सा लीडिंग मिलता है क्योंकि कैपेसिटर दिस इज पॉजिटिव एक्स एंड जो ये इंडक्टर है माइनस एक्स है, यानी कि लैगिंग करंट है। तो जब मैं एड अप करता हूं इन दोनों को, देयर इज सम पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव ऑफ एक्स, जिसकी वजह से करंट मेरा थोड़ा सा लीडिंग होता है, दैट इज आई ए ऑक्सिलरी करंट, ठीक है। अब जो इक्विवेलेंट करंट है इन दोनों की वजह से वो मेरे पास मिलेगा लैगिंग, ठीक है। तो कैपेसिटर मतलब मशीन जो है दैट ऑलवेज ड्रॉ कैपेसिट लैगिंग करंट, ठीक है, मशीन ने हमेशा से लैगिंग करंट लिया। दिस इज आई एम, सॉरी आई मोटर, आई सिंपली आई मान लेते हैं, चलिए। तो मशीन ने मेरा हमेशा लैगिंग करंट लिया, लेकिन अगर इंडिविजुअल वाइंडिंग्स की बात करें तो एक वाइंडिंग ने अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्रीज का फेज डिफरेंस लिया, जबकि एक वाइंडिंग पॉजिटिव 10 डिग्रीज 5 डिग्रीज या इस तरीके का एंगल लेती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये 10 डिग्रीज अगर हमने लीडिंग में लिया तो टोटल एंगल नाउ बिकम्स 90 डिग्रीज। इस तरीके से मैं वाइंडिंग को स्लॉट करता हूं, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ कैपेसिटर इज एम्प्लॉयड इन द सर्किट, जिससे हम इस फेज को, इस एंगल को 90 डिग्री कंटेन्ड रख सकें, जो कि पॉसिबल नहीं है फॉर हैवी कैपेसिटी मोटर्स, ठीक है। तो कैपेसिटर्स का क्या काम है, कैपेसिटर्स का केवल इतना काम है यहां पे कि इस एंगल को 90 डिग्री के आसपास लेके जाना, ठीक है। यहां पे कैपेसिटर का रोल नहीं है टू कंट्रोल क्यू कैपेसिटेंस, यहां पे कैपेसिटर के बहुत सारे रोल है। अगर मैं फैक्चुअली बताऊं तो कैपेसिटर कैन कंट्रोल रिएक्टिव पावर, कैपेसिटर कैन स्टोर चार्ज, कैपेसिटर कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द रिएक्टेंस ऑफ एनी वाइंडिंग,
ठीक है, तो इनमें से हम बहुत सारे रोल्स में से कोई एक रोल स्पेसिफिक हमारा चुनना पड़ता है। तो एक रोल यहाँ पे जो एम्प्लॉयड है दैट इज इन कंट्रोलिंग द रिएक्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस ऑलमोस्ट रेजिस्टिव होता है, ऑलमोस्ट, ये आप चेक कर सकते हो, एम्प्लॉय कर सकते हो। ठीक है, आप सिंपली मल्टीमीटर लो, लैब में जाना, चेक द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द वाइंडिंग्स, एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, एक का कम आएगा, सिंपली वहां से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कौन सी मेन वाइंडिंग है, कौन सी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ठीक है, चलिए, तो बाकी रोल बिहाइंड दिस पर्पस एज इट इज मेंटेन्ड, डायग्राम भी कुछ कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ओनली दिस इज एम्प्लॉयड न्यू, क्या है इसमें, इस टाइप का पार्ट मिला है हमें थोड़ा सा, तो इसमें लीडिंग थोड़ा सा मिल गया, थोड़ा सा आईएम, थोड़ा सा 80 डिग्री के आसपास मिला, एंड इक्विवेलेंट मोटर जो ड्रॉ कर रही है करंट, दैट इज दिस विच इज ऑलवेज लैगिंग। ठीक है, तो इसलिए मोटर को कहा जाता है दैट इज ऑलवेज लैगिंग लोड। ठीक है, चलिए आगे की चीजें जैसे जैसे आएंगी वो मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन करते रहूंगा। इस मतलब जब हम टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं तो ओनली एंड ओनली थ्योरी है, सारी की सारी चीज थ्योरी है, तो केवल आपको फिनोमेनन ये अंडरस्टैंड करना है कि एनी हाउ यू रिक्वायर अ 90 डिग्री फेज डिफरेंस, एंड दिस इज हाउ इट इज बेसिकली डन, कैसे किया जाता है, कभी कैपेसिटर लगा देते हैं, कभी नहीं लगाते हैं, लो अगर कैपेसिटी मोटर्स बनानी है तो नहीं लगाएंगे, अगर हाई कैपेसिटी मोटर्स बनानी है यानी कि ज्यादा लोड ले सके ऐसी मोटर बनानी है तो हमें कैपेसिटर एम्प्लॉय करना पड़ता है। अब ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि ये चीज देखी गई कि एक कैपेसिटर ना लगा के हमने दो कैपेसिटर लगा के देखे, क्या करने के लिए कि ज्यादा हमने फेज डिफरेंस को ज्यादा और बढ़ा के देखा, तो जब हम और ज्यादा फेज डिफरेंस बनाते हैं तो सिंस मेरा जब मोटर स्टार्ट होती है अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज एम्प्लॉयड इन द सर्किट। ठीक है, बहुत तेजी से करंट सक करती है एंड वो करंट बहुत ज्यादा क्या होता है, लैगिंग होता है, तो बहुत ज्यादा लैगिंग करंट एकदम से ड्रॉ किया मेरी मशीन ने, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, दो कैपेसिटर लगा दिए पैरेलल में, तो दो कैपेसिटर लगाने के लिए क्या हो गया, तो दिस लैगिंग एंगल इज ऑल्सो कंट्रोल्ड, तो वहां पे हमने क्या किया, एक कैपेसिटर और लगा दिया एंड इसमें लगाया हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच, एक कैपेसिटर परमानेंट ऑन रखा और एक कैपेसिटर हमने स्विच के साथ रखा। ठीक है, तो इसको कहते हैं, इस टाइप मशीन को कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, क्योंकि ड्यूरिंग द स्टार्टिंग केस बोथ द कैपेसिटर्स आर एम्प्लॉयड, जब हम मशीन को चलाते हैं इनिशियली बोथ द कैपेसिटर्स सीसी और सीएस, स्टार्टिंग कैपेसिटर और सी आर मान लेते हैं इसको, रनिंग कैपेसिटर, बोथ द कैपेसिटर्स आर एम्प्लॉयड व्हेन स्टार्टिंग, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ एन इंडक्शन मशीन, जब 70-80% ऑफ द स्पीड कैप्चर हो जाती है मशीन की तो अचानक से सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, ठीक है, एंड ओनली वन कैपेसिटर इज एम्प्लॉयड, इससे होता क्या है, द टॉर्क इज एम्प्लॉयड या लार्ज टॉर्क इज एम्प्लॉयड ऑन दिस रोटर, एक टॉर्क, कुछ पार्ट ऑफ टॉर्क ये डेवलप कर रहा है, कुछ पार्ट ऑफ टॉर्क ये डेवलप कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से तो वहां पे टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी मॉडिफाइड मिलेंगी, इसी पार्ट का होंगी ऐसी थोड़ा सा मॉडिफाइड मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया हमारा नॉर्मल मोटर का, जब केवल मेन वाइंडिंग एक्साइटेड है
ये हो गया हमारे पास जब हमारे पास मेन वाइंडिंग और एक कैपेसिटर एक्साइटेड है, और ये हो गया हमारा थर्ड फेज। तो हमारी मशीन पहले इस पार्ट पे काम करती है, हाई टॉर्क लेके आती है, देन अचानक से स्विच हो जाती है इस टॉर्क पे एंड ये इस पे ऑपरेट होती है। ठीक है, तो ऑपरेशन में हाई टॉर्क जब चाहिए मुझे, मैं उस टॉर्क पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई मेरे पास मेन वाइंडिंग, ये मेन प्लस ऑक्सिलरी, एंड ये हो गया मेन प्लस ऑक्सिलरी प्लस सीएस इज आल्सो सी स्टार्टिंग, सीएस इज आल्सो एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से कुछ कुछ हमारे ग्राफ्स चेंज होते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, चलिए तो मेरी तरफ से दिस पार्ट इज ओवर नाउ। अगर आप लोगों को कुछ लग रहा है, यू नीड टू आस्क, यू कैन आस्क, एंड देयर इज अ क्विज वेटिंग फॉर यू ऑल। ठीक है, सही बता रहे हैं, आखिरी वाले में क्या चेंज करा, क्यों यूज किया था कैपेसिटर, क्यों यूज किया बेटा? हम कई बार ऐसा होता है, देखो ऑल्दो हमारे पास क्या है, जब हम मशीन को एकदम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक इनरश एक फिनोमिनन है, उसकी वजह से अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज एम्प्लॉयड। लेकिन वो करंट कहाँ से आता है मैं बताता हूँ। देखो अचानक से जब फ्लक्स कोर में सेटअप होता है तो कहीं से भी एमएमएफ आएगी, मिलेगी उसे, कहीं से भी उसको एमएमएफ चाहिए ताकि मैं उस अमाउंट का फ्लक्स सेटअप कर पाऊं। तो वो जो एमएमएफ है वो क्या है, एडिशन मतलब पावर है, दैट इज पावर रिक्वायर्ड टू सेटअप द फ्लक्स। तो वो एमएमएफ कहां से डेवलप होती है, दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम करंट। तो उस एमएमएफ को डेवलप करने के लिए बहुत तेजी से करंट का इनरश मिलता है, बहुत तेजी से करंट कंज्यूम होता है, एंड वो जो करंट है दैट इज हाईली लैगिंग। तो वो करंट यहां ना होके वो यहां भी हो सकता है एकदम से आईएम के बहुत ज्यादा क्लोज, धीरे धीरे वो करंट की वैल्यू रिड्यूस होती है एंड वो आई पे शिफ्ट हो जाती है। तो जब हम बहुत बड़ी कैपेसिटी की मोटर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल 5 HP के ऊपर या इससे कहीं आसपास बनाते हैं, तो हमारी ये मोटर 5 HP की वजह से स्टार्टिंग करंट कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 15 एम्पेयर, 10 एम्पेयर 15 एम्पेयर, लेकिन सॉरी स्टार्टिंग नहीं मतलब रनिंग करंट हमारा 10 एम्पेयर 15 एम्पेयर के आसपास है। लेकिन जब हम उस मशीन को स्टार्ट करेंगे तो इट कैन गो अप टिल 80-90 एम्पेयर। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमने कैपेसिटर का यूज किया, ठीक है, ताकि जब इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट मतलब एकदम से सप्लाई से लिया जाएगा ऑल ऑफ सडन, तो क्या होगा, वोल्टेज में भी डिप मिल सकता है। तो उस चीज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने इन कैपेसिटर्स को इम्प्लॉय किया, जिससे कि ये जो करंट अचानक से मूव हुआ है वो ऑक्सिलरी करंट, अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, ठीक है, तो देखो अल्टीमेटली क्या होगा, दिस करंट प्लस दिस करंट की वेक्टर कितना आएगा, दिस इज रिड्यूस्ड, यस और नो? अगर मैं आईएम और इसका मैं वेक्टर एडिशन कर दूं, ठीक है, 90 डिग्री से ऊपर लेके जाऊं, 90 डिग्री से और फालतू एक्स्ट्रा लेके जाऊं, तो द लोड करंट ऑफ द इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इसलिए मेरी मशीन जो है स्टार्टिंग में करंट ज्यादा नहीं ले पाती। ठीक है, यही चीज मैंने कैपेसिटर एम्प्लॉय करके किया। तो कैपेसिटर एम्प्लॉय करने से मैंने स्टार्टिंग करंट को कुछ हद तक और कंट्रोल किया, एंड ये भी कंट्रोल किया कि स्टार्टिंग में मेरा पावर फैक्टर यूनिटी के आसपास ही रहे। ठीक है, क्योंकि अगर हम अचानक से बहुत लैगिंग अमाउंट ऑफ करंट ले लेंगे तो अचानक से पावर सिस्टम से हम हाई अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमें वोल्टेज डिप मिलेगा, जिससे हमारी मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमने एक कैपेसिटर और लगाया,
जिसकी वजह से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड बाय दीज कैपेसिटर्स टू कंट्रोल द स्टार्टिंग ऑफ दिस इंडक्शन मोटर. तो वंस एक बार मेरी मशीन हाई स्टार्टिंग करंट मेरा डेवलप हो गया तो मेरा ये कैपेसिटर करंट तो इतना ही रहेगा, ठीक है, ये कैपेसिटर करंट इतना ही रहेगा. तो दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू यूनिटी, ठीक है, ये हम नहीं चाहते हैं. मेरी मशीन हमेशा यूनिटी करंट ले वो हम नहीं चाहते हैं. हम चाहते हैं थोड़ा बहुत तो लैगिंग करंट रहे, तो इसलिए हम एक कैपेसिटर को यहां से बंद कर देते हैं, एक कैपेसिटर पे ही मशीन को चलाते हैं. तो जब हम एक कैपेसिटर पे मशीन को चलाते हैं, यानी कि ये वाला सर्किट डिस्कनेक्ट कर दिया, तो अब जो करंट डेवलप हो रहा है वो केवल इतना रोल प्ले करेगा. हालांकि इस वाइंडिंग में लॉसेस हो रहे हैं, बट वो उसका रोल क्या रहेगा, एडिशनल टॉर्क प्रोवाइड करना ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, ठीक है. तो दो चीजें ओवरकम हो गई. ग्राफ थोड़ा सा मैं एक्यूरेटली नहीं बना पा रहा हूं, कुछ ग्राफ इस टाइप से होता है. ठीक है, तो अगर मैं रनिंग कंडीशन में यहां पे बात कर रहा हूं, पहले मैं इतना टॉर्क डेवलप कर पा रहा था, लेकिन जब मेरे पास दो एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग में दिस पार्ट इज एक्साइटेड तो मैं इतना करंट डेवलप कर पाऊंगा. तो इसके लिए ऐसे भी हो सकता है, ठीक है. तो ना तो मैं इस वाइंडिंग पे रह सकता कि मैं इन तीनों चीजों को यूज करूं, ठीक है, मैं इस वाइंडिंग पे नहीं रह सकता. क्यों? क्योंकि अगर मैं इस वाइंडिंग पे रहा तो रनिंग कंडीशन में मेरे पास इतना टॉर्क होगा केवल, तो मैं लोड को ड्राइव नहीं कर पाऊंगा जो मेरे को चाहिए. तो मैंने क्या किया, मैं इस वाइंडिंग पे स्विच हो गया. इस वाइंडिंग पे स्विच होने के बाद मुझे एडिशनल टॉर्क भी मिला, सॉरी इस वाइंडिंग पे, ये वाली वाइंडिंग, इस वाइंडिंग पे मुझे एक एडिशनल टॉर्क भी मिला कंपेयर टू ओनली एंड ओनली मेन वाइंडिंग. तो इतना एडिशनल टॉर्क मेरे को ऑब्टेन हो गया, ठीक है. तो मेरे दो मतलब ये चीजें मेरे को एडिशनल हो गई. तो दिस इज हाउ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर वर्क्स. यानी कि एक कैपेसिटर एम्प्लॉय किया जाएगा ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन और दोनों ही कैपेसिटर्स लगाए एम्प्लॉय किए जाएंगे ड्यूरिंग स्टार्टिंग कंडीशन. सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज करते हैं. सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम होगा, जैसे ही 70% ऑफ द स्पीड ऑब्टेन हुई एक वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है. ठीक है अभी बेटा, यस सर, ठीक है. हाँ सर, ठीक. तो ये चीजें फॉलो अप होती हैं बार बार. सर इसके नोट्स आपने सेंड कर दिए हैं? शायद नहीं किया मैंने, मैं कर दूंगा, आज कर देता हूँ. चले ओके सर, पीडीएफ बना के मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ आज. चलिए, क्विज आया होगा इन द मीनवाइल, आपके पास एक क्विज जनरेटेड है. यू सप्लाई द आंसर्स एंड बिफोर लीविंग द क्लास यू जस्ट मैसेज योर रोल नंबर इन चैट बॉक्स, ठीक है, बाकी आप लीव कर सकते हो.